नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पैशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है सेट बाइंडिंग के ऊपर। जो भाई इस तरह का सेट बाइंडिंग से फैन मोटर या फैन बाइंडिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये पूरा सेट देख सकते हैं। आप ये बिना किसी जोड़ के हमने एक साथ चारों कॉइल बना ली है एक साइड की। तो इस तरह की एक साथ हम चारों कॉइल बना के स्टेटर में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो भाइयों, इस तरह का सेट बाइंडिंग बिना जोड़ के करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस तरह से चार कॉइलें एक ही फर्मे पर एक साथ ही बना लेनी है हमें। इनमें हमें बीच में कहीं पर भी वायर में कोई जोड़ नहीं देना है, केवल दो ही कनेक्शन हमारे, जो एक शुरुआत वाला एक आखिर वाला, दो ही निकलेंगे कनेक्शन बस। इससे क्या होगा कि हमारे टाइम की भी बचत होगी और हमारे काम में भी फिनिशिंग आएगी, और प्लस हमारे जो एल्युमिनियम, खासकर एल्युमिनियम बाइंडिंग में जो हम जोड़ करते हैं हर कॉइल पे, भाई लोग जोड़ कर देते हैं तो वो जोड़ क्या होता है, कभी कभी नमी आने के कारण जोड़ गल जाता है, तो वहाँ से हमारा मोटर शॉर्ट हो जाता है और हमारे काम में भी शिकायत आती है। तो ये उस तरीके से बहुत ही यूजफुल रहेगा, इसमें शिकायत का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले एक कॉइल हमें किसी भी तरफ से उठा लेनी है, जैसा कि ये एक कॉइल मैंने ये ले ली है, किसी भी तरफ से एक कॉइल हमें उठा लेनी है और स्टेटर में इंस्टॉल करनी है। से पे लगा देना, दो राउंड हो गए हमारे। तो अब हमारा मेन काम जो शुरू होगा, देखिए एक वायर तो हमारा ये लग गया कनेक्शन का, आप देख पा रहे होंगे एक वायर हमारा ये आ गया कनेक्शन का, और दूसरा वायर इसी कॉइल से जो अटैच है वो ये है। इस वायर से जो कॉइल अटैच है वो हमारी ये रही। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें कॉइल को हमें इस तरह से रखना है कि ये जो वायर है हमारा इस कॉइल से जो अटैच है, इस कॉइल से ये हमारे तीसरे नंबर पर जाना चाहिए। तो हमें कॉइल को इस तरह से घुमा के करना होगा। देखिए इस तरह से कॉइल को हम जब डालेंगे तो देखिए एक तो यहाँ पर पड़ेगी इस स्लॉट में ये कॉइल, और एक आ जाएगी हमारी इस स्लॉट में। तो इस तरह से अब ये वायर देखिए आप ध्यान से, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए एक नंबर ये हो गया, दो नंबर का ये हो गया स्लॉट, और तीसरे नंबर पर हमारा वायर ये जाना चाहिए जो हमारी दूसरी कॉइल से, पहली कॉइल से जो वायर, पहली कॉइल और दूसरी कॉइल के बीच में जो वायर अटैच है वो हमारा तीसरे नंबर पर जाना चाहिए। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे नंबर पर यहाँ पर ये जा रहा है, तो मतलब हमारा कनेक्शन ओके है। बस यही ध्यान देने वाली बात है। अब हम इस कॉइल को पूरा इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद तीसरी कॉइल के बारे में बताते हैं कैसा रखना है वायर। अब देखिए हमारी दो कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं, पहली कॉइल के जो अटैच वायर है एक, और ये छोड़ के यहाँ पर आ रहा है तीसरे नंबर पर। अब तीसरी कॉइल हमें लेना है, तीसरी कॉइल से जो वायर हमारा अटैच है वो देख सकते हैं आप, ये है ये वायर, तो ये वायर हमारा यहाँ पर है। तो इसी हिसाब से हमें एक यहाँ से गिनती करनी है, एक और दूसरा ये हो गया इस कॉइल का ये, तो तीसरा वायर जो हमारा आएगा यहाँ पर आएगा, मतलब इस कॉइल को हमें इस तरह से रखना है ताकि ये वायर यहाँ पर आए, देखिए इस तरह से। देखिए एक दो तीन, यहाँ पे एक से तीन में हमारा जो अटैच वायर हो किसी भी कॉइल का वो हमें एक से तीन में आना चाहिए, तो मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ओके हो रहे हैं, कॉइल हमारा सीधा पड़ रहा है। तो चलिए कॉइल को कम्प्लीट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन इसका। तो देखिए हमारा तीसरी कॉइल का भी इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हमारी जो तीसरी वायर से कॉइल वायर अटैच है हमारा चौथी कॉइल के लिए, तो देखिए वो ये है, यहाँ पर देखिए आप ये जो वायर अटैच है ये भी हमें कनेक्शन इसके इस तरह से कॉइल हमें घुमा के डालनी है कि एक से तीन पर जाए इसका कनेक्शन। तो इसके लिए हमें इस तरह से कॉइल को घुमाना होगा। अब ये वायर हमारा तीसरे नंबर पर पहुँच गया, तीसरी स्लॉट में इस तरह से देखिए, यह एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया पोल, और तीसरा यहाँ पर आएगा ये, तो इस तरह से देखिए इस तरह से ये इंस्टॉल हो गया हमारा। देखिए ये हो गया हमारा कनेक्शन का वायर, मेन वायर, और एक हो गया ये, और इनके भी कनेक्शन हमें एक से तीन पर ही आने चाहिए। देखिए एक ये रहा हमारा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चाहे किसी भी साइड से हम देखें तो हमारी ये जो मेन कनेक्शन जो निकलेंगे रनिंग के या स्टार्टिंग के, अभी ये रनिंग का सेट डला है तो एक से तीन पर ही आना चाहिए, तभी हमारा कनेक्शन ओके है, कॉइल हमारा सही पड़ा है। तो देखिए आप एक ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दो नंबर, तीसरा नंबर ये आ गया, मतलब हमारा कॉइल सही पड़ रहा है। तो चलिए पूरी कॉइल का इंस्टॉलेशन करते हैं शुरू। तो देखिए ये हमारा
रनिंग का सेट डल के हो चुका है कंप्लीट, और वो भी बिना पीसी जोड़ के। इसमें हमारा टाइम का भी बचत होगा, प्लस हमारे काम में भी फिनिशिंग अच्छी आएगी, जोड़ नहीं होंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी हमारी, और प्लस हमारा शिकायत भी काम में नहीं आएगा। तो देखिए ये दो वायर ओनली कनेक्शन के बचे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कोई जोड़ कहीं पर नहीं लगाना है। तो चलिए एक बार आपको कनेक्शन इसके कॉइल की और समझा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से कॉइल इंस्टॉलेशन शुरू किया। पहला कॉइल हमारा जो है, पहले कॉइल का एक वायर हमारा ये रहा, और इसका जो अटैच वायर दूसरी कॉइल से है वो रहा ये। तो ये अटैच वायर हमें डालते समय, ये कॉइल डालते समय हमें इस वायर का खास ध्यान रखना है कि ये जो वायर है हमारा तीसरा नंबर पर आना चाहिए। जैसा कि आप ये देखिए, यहाँ से देख लीजिए आप, ये एक नंबर हो गया, ये हो गया दो नंबर हमारा, और ये तीसरे नंबर पे आएगा, आ गया। तो मतलब हमारा इस तरह से हमें डालना है, और इसी तरह से हमें दूसरी कॉइल से तीसरी कॉइल के लिए जो हमारा वायर अटैच है वो हमारा ये रहा, ये आप देख सकते हैं। तो इसका आप इसी तरह से तीसरी कॉइल जब आप डालें तो इसी तरह से तीसरे नंबर पर जाना चाहिए एक वायर। देखिए यहाँ से नोट करिए आप, एक नंबर ये हो गया हमारा, दो नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये आ गया हमारा। तो मतलब हमारा कॉइल सही पड़ रहा है। तो इसी तरह से आप तीसरी कॉइल से जो चौथा वायर हमारा अटैच होगा उसे भी हमें इसी तरह से डालना है। देखिए यहाँ ये आ गया, चौथी कॉइल से जो वायर अटैच है हमारा, एक नंबर देखो ये रहा, एक नंबर हमारा ये हो गया, दो नंबर ये हो गया हमारा, और तीसरा नंबर ये आ गया। हाँ यहाँ पर तो देखिए इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए एक चीज़ और बता दूँ आपको लोगों को मैं, ये हमारी दो कॉइलें एक सेट में, दो कॉइलें हमारी इस तरह से आएंगी कि उनके ऊपर से होके कनेक्शन नहीं जाएंगे। देखिए ये एक ये कॉइल रही, इसके भी ऊपर से कनेक्शन नहीं जाएगा। देखिए एक वायर इधर को आया ये, और एक वायर इधर को आया है। इसी तरह से एक कॉइल हमारी ये रही, इसके भी ऊपर से कोई कनेक्शन होकर नहीं जाएगा। देखिए एक वायर ये हमारा इधर के लिए हो गया, ये हो गया इधर के लिए ये वायर। तो इस तरह से भी आप पहचान कर सकते हैं कि हमारे कनेक्शन सही हैं या नहीं। और ख़ासकर आप एक से तीन का कनेक्शन का ध्यान रखिए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।